मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरपंचों के लिए बड़ी घोषणाएं करते हुए एक बड़ा सम्मान उनकी झोली में डालने का काम किया है। अब से सरपंचों को भी डीसी और एसपी जितना सम्मान मिलेगा। और क्या कुछ मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं की, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री नायब सैनी का सरपंचों के लिए नायाब तोहफा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लगाई घोषणाओं की झड़ी। गांव की सरकार को दी हरियाणा सरकार ने बड़ी सौगात। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव की सरकार यानी सरपंचों के लिए अपनी घोषणाओं के पिटारे से भर भर कर उसकी अदायगी की। मुख्यमंत्री ने सरपंचों के लिए खोला घोषणाओं का पिटारा। अब सरपंच बिना टेंडर के करा सकेंगे 21 लाख तक के कार्य। मिट्टी के भरत के एस्टीमेट का भुगतान अलग से करेगी सरकार। 10 दिन में जेई एस्टीमेट बनाने के लिए होंगे बाध्य। हमने ये निर्णय लिया है कि सरपंच अब अपनी मर्जी से 21 लाख रुपए के काम करा सकते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा के सरपंचों के लिए अपना पिटारा खोल दिया है, जिससे सरपंच अब पहले से काफी खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र बुलाए थे सीएम साहब ने, बहुत अच्छी पंचायतों के लिए सौगात दी है। 21 लाख रुपए तो जो ये लिमिट थी हमारी 21 लाख रुपए कर दी है। जो ई टेंडरिंग का मामला था उस पर आज 90% सरपंच खुश है। हाँ जी, और जो 16 रुपये किलोमीटर प्रति के हिसाब से दिया है, ये भी सरपंच को खर्चे में कुछ जुड़ेगा। सरकारी काम के लिए सरपंच जाओ था और था, वो खर्चा सरपंच को चल रहा था, उसमें भी सरपंच को राहत मिलेगी। एक 26 जनवरी का प्रोग्राम है या 15 अगस्त का प्रोग्राम है, उसके लिए खर्चा गवर्नमेंट पहले हमें 3000 रुपये देती थी, उसको 3000 से बढ़ाकर 30000 रुपये कर दिया। एक फिर और सौगात दी है, 1994 से पहले मिट्टी के व्रत के लिए गलियां बनाते थे, उसमें मिट्टी व्रत मिलता था, अब उसको मिट्टी व्रत को भी परमिशन मिल गई है। बिल्कुल सारे सरपंच। सरपंचों को प्रशासनिक कार्य हेतु यातायात के लिए 16 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से TADA मिलेगा। जिला स्तर पर कोर्ट केस फीस को 1100 से बढ़ाकर अब 5500 रुपए प्रति केस कर दिया गया है। हाई कोर्ट के लिए फीस 5500 रुपए से बढ़ाकर 33000 रुपए प्रति केस की गई है। कोर्ट में केसों की पैरवाई करने के लिए जो वकील हमें खड़े करने पड़ते थे, जिसकी चर्चा अभी महिपाल जी ने की है, मैं आज इस बात की भी घोषणा करता हूं कि जो जिला कोर्ट है, जिला स्तर या उपमंडल स्तर की कोर्ट है, केस जो पहले वकील के लिए 1100 रुपया फीस थी, अब उसको बढ़ा करके हमने 5500 रुपया कर दिया है। इसके अलावा हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अगर आप वहां पैरवाई के लिए जाते हैं तो पहले ये 5500 रुपये थी, अब इसको 33000 रुपया कर दिया है। अपनी घोषणाओं में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक और बड़ी घोषणा की। गांव में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने पर सरपंच का स्थान DCSP के साथ होगा। अब सरपंच DCSP के साथ मंच पर कुर्सी लगा के सम्मान पूर्वक बैठ सकते हैं। इब गांव में कार्यक्रम होता था, गांव के अंदर कार्यक्रम हो रहा, राज्य स्तरीय सरपंच को पूछते नहीं थे। हमने उस प्रोटोकॉल के अंदर सरपंच को भी ला करके खड़ा कर दिया है कि अगर गांव में कार्यक्रम हो रहा है तो उसका स्थान SP और DC के साथ होगा। सरपंच अब पंचायत GEM पोर्टल से लैपटॉप और प्रिंटर खरीद सकेंगे। स्टाम्प ड्यूटी बिजली बिल सेस पंचायत के अकाउंट में सीधा आएगा।
अपंजीकृत ठेकेदार एक वर्ष में 50 लाख तक के कार्य कर पाएंगे। उन्होंने बहुत बढ़िया, सीएम साहब ने बहुत बढ़िया सरपंचों के बारे में सोची। पहले 2 लाख तक की लिमिट थी, 2 लाख में के काम करवा सकते थे जी, 21 लाख का कर दिया जी ऐलान, बहुत बढ़िया है जी। और डीटी ये 16 रुपए प्रति किलोमीटर भी ये इनका किराया वो कर दिया, बत्ता बढ़ा दिया जी। और ये जो छोटे मोटे जो भी मंत्री कोई भी आया करता गांव में, उनका 3000 का वो खर्चा पानी वो दिया करती जी सरकार, और 3000 कर दिया जी। पब्लिक हेल्थ विभाग अब गांव में पेयजल की समस्या कराएगा ठीक। पंचायत स्तर के राष्ट्रीय पर्व के लिए 30,000 रुपए तक खर्च कर पाएंगे। राष्ट्रीय पर्व प्रचार झंडा और मिठाई की सीमा को 500 रुपए से बढ़ाकर किया 5,000 रुपए। सरपंच ग्राम सचिव की एसिया रिपोर्ट पर टिप्पणी कर पाएंगे। सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल की है कि हमारी 3,000 रुपए तक की वो थी, जिसमें है कि हम राष्ट्रीय पर्व के द्वारा हम जो भी फंक्शन वगैरह करते थे उसमें 3,000 रुपए लिमिट थी, उसको बढ़ाकर अब 30,000 रुपए कर दिया, जिससे कि हम अपने राष्ट्रीय पर्व को और भी अच्छे से मना पाएंगे। और उन्होंने हमें नई वकीलों की तरफ भी विशेष ध्यान दिया है कि जो जिला केस थे उन पे 1100 रुपए की लिमिट थी, जो बढ़ाकर उन्होंने और ज्यादा कर दी है। जो कल घोषणा करी उससे बहुत खुश है और सीएम साहब का धन्यवाद करते हैं। हमारे हल्का विधायक जो विनोद लियाना जी, हमारे दिल से उसका भी धन्यवाद करते हैं, उसने पूरा जोर लगा के हमारी मांगों को मनवाया। किस प्रकार की समस्या आ रही थी जब ये पावर आपके पास नहीं थी? समस्या तो यही थी, कोई गली थी जैसे 7 लाख की 8 लाख की, तो उसका टेंडर लगता था, टेंडर लगने में काफी टाइम लगता था, ठेकेदार अपने हिसाब से काम करके जाते थे कि वो मायने से लेते थे, तो अच्छे ढंग से काम नहीं हो सकता था। अब हमारे पास पावर आ गई तो हम अपने तरीके से बनाएंगे, बढ़िया काम करेंगे। सरपंचों की बढ़ी हुई पावर से गाँव के विकास में तेजी आएगी, इससे गाँव में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा, स्थानीय समस्याओं का समाधान भी जल्द हो सकेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें नालियों और अन्य आवश्यक सुविधाओं का निर्माण अब तेजी से होगा, गांव का जीवन स्तर अब पहले से बेहतर होगा। पहले कोर्ट केसों में बहुत कम मात्रा में फीस जमा कर पाते थे, हमारे वो केस लटके हुए रहते थे, आज जो इस कोर्ट केस के लिए फीस बढ़ाई ये भी बहुत अच्छा कदम है। और जो गणतंत्र दिवस वगैरह जो भी सरकारी प्रोग्रामों की फीस बढ़ाई है, मतलब खर्चा करने के लिए जो आदेश दिए हैं, वो बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का। और मैं सरकार के 21 लाख के जो एक घोषणा की इसका धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उन्होंने 36 बिरादरी को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, और उनके पास ये कई तरह की बातें जा रही थी, क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें देखने को मिला था कि कुछ जो गाँव के सरपंच वगैरह जनप्रतिनिधि हैं उनके अंदर एक रोष था ये कि 5 लाख की जो अमाउंट सरकार ने पंचायत मंत्री आदरणीय देवेंद्र बबली जी ने जो कर दी थी टेंडर के माध्यम से 5 लाख से ऊपर, तो उसमें किसी भी प्रकार के गांव में कोई भी सरपंच कोई भी जनप्रतिनिधि किसी प्रकार का कार्य नहीं करवा सकता। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात सभी सरपंच के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के पास पहुँची, गाँव में विकास कार्य बंद हो गए थे, 5 लाख में कुछ गलियां नहीं बन पाती थी, तो इसलिए सीएम साहब ने ये घोषणा कर दी और ये 21 लाख रुपए की जो घोषणा की है, अब पूरा हरियाणा का सरपंच, हर हरियाणा के गांव के सरपंच जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह खुश है, और नायब सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं सभी सरपंचों का। एक सरपंच फोन भी आया, बोला जी ने बहुत अच्छा कार्य हुआ, और सभी सरपंच आज नायब सिंह सैनी जी के लिए जयकार मार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार हो रही है। वर्ष 2014 से पहले पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का अनुदान 600 करोड़ रुपए था, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा के लिए अनुदान की इस राशि को बढ़ाकर 2968 करोड़ रुपए किया गया है। कोई भी सरपंच ने अगर ये कह दिया भी यहाँ मिलना है, मैं कहा जा भाई मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। अगर कोई भी सरपंच इतने बैठे हैं यहाँ, पूरे प्रदेश का सरपंच ये नहीं कह सकता भी मुख्यमंत्री को हमने टाइम के लिए कहार दिया, नहीं मैंने तुरंत यदि बुला लिया, मैं कहा जो भाई। और ये अब की बात नहीं है,
आगे भी अगर आपको मेरी कभी जरूरत पड़ेगी 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 7,276.77 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जबकि पूर्व की सरकार में 2013-14 के दौरान ये राशि 1,898.48 करोड़ रुपए ही थी। सरकार के सराहनीय कदम से प्रदेश भर के सरपंच, मुख्यमंत्री, नायब सैनी का धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।